दोस्तों मैंने बहुत सारे लोन एप्लीकेशन का रिव्यू किया है और लाइव विथ प्रूपेमेंट के साथ ही बताया है। अभी तक जितने सारे प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन अवेलेबल है जिसमें कि 269 एप्लीकेशन बैन होने वाले हैं आरबीआई के मुताबिक। दोस्तों ऐसे में बहुत सारे लोन एप्लीकेशन या फिर लोन कंपनी के ऊपर छापा पड़ा है और ऐसे में बहुत सारे लोन एप्लीकेशन ऐसे हैं जो फिलहाल बैन भी हो चुके हैं और बहुत सारे लोन एप्लीकेशन है जो फिलहाल प्ले स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है। जो एप्लीकेशन अवेलेबल है उस एप्लीकेशन के जरिए से आप लोन भी नहीं ले सकते और इसका भी हम प्रूफ देने वाले हैं इसी वीडियो में। वीडियो में हमारे साथ बने रहें। दोस्तों मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एंड ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनल आ चुके हैं मोबाइल फोन के स्क्रीन पे, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आप जानेंगे कौन सा एप्लीकेशन फिलहाल बैन हो चुकी है और जो भी प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन अवेलेबल है उस एप्लीकेशन के अंदर में भी आप फाइनली लोन नहीं ले पाएंगे, प्रॉपर तरीके से लोन फंडिंग देना बंद कर दिया है। आप जानेंगे कौन कौन सा एप्लीकेशन इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, और कौन सा एप्लीकेशन ऐसा है जो फिलहाल आप लोन्स के लिए आवेदन कर सकते हैं, कौन सी कंपनी है, कौन से लोन एप्लीकेशन जो फिलहाल आप इमरजेंसी में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे बहुत सारे लोन एप्लीकेशन फिलहाल अभी भी प्ले स्टोर के ऊपर है जो 7 दिन या 14 दिन वाले एप्लीकेशन है और बहुत सारे लोन एप्लीकेशन ऐसे हैं जो फिलहाल बैन भी फाइनली हो चुका है, जैसा कि स्क्रीन के सामने देख पाएंगे। तो दोस्तों प्ले स्टोर के ऊपर बहुत सारे लोन एप्लीकेशन अभी भी हैं और यहाँ पर देख पाएंगे क्रेजी रूपी है, ये भी फाइनली यहाँ पर बैन होने वाले हैं, प्रॉपर तरीके से प्ले स्टोर के ऊपर से हटा दिया जाएगा। आरबीआई के गाइडलाइंस के मुताबिक रूल्स फॉलो ना करने की वजह से बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, इसके वजह से सुसाइड भी लोग यहाँ तक कर लेते थे। अब बहुत सारे यहाँ पर एप्लीकेशन ऐसे हैं जो फिलहाल प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, ये सारे आने वाले दिन में सब बंद हो जाने वाले हैं, इस बात को आप समझ के रखिए और लोन अप्लाई करने से पहले 10 बार बिल्कुल सोचें कि आपको किस लोन कंपनी के जरिए से आपको लोन्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करने वाले कौन से एप्लीकेशन ऐसे हैं जो फिलहाल अभी आपको लोन्स प्रोवाइड कराती है और इसका भी प्रूफ पेमेंट के साथ ही बताऊंगा कौन सा एप्लीकेशन है जो जेन्युइन तरीके से आपको लोन्स प्रोवाइड कराती है। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कौन सी एप्लीकेशन ऐसा है जो फिलहाल इमरजेंसी में आप लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करें पहले लोन एप्लीकेशन के बारे में तो ये है किस्त, और आप यहाँ पर देख पाएंगे लोन अप्लाई करने का कहीं भी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 5800 रुपये की लिमिट्स मिली थी और आप यहां पर देख पाएंगे मेरे ही नाम से ये अकाउंट है और यहां पर 5800 रुपये की फाइनली लिमिट्स मिली थी, लेकिन अब यहां पर रिमूव कर दिया गया है, यानी कि अब इस एप्लीकेशन के जरिए से लोन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसा कि स्क्रीन के सामने देख पाएंगे कहीं भी लोन अप्लाई करने का सेक्शन यहाँ पर नहीं है, हमें यहाँ पर 5200 रुपये से लेकर 5800 रुपये तक का लास्ट टाइम यहाँ पर अप्रूवल मिली थी। जैसा कि अगर हमारे पिछले वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो आपको जरूर पता होगा यहाँ पर भी इस एप्लीकेशन द्वारा लोन अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। दोस्तों वहीं पे अगर हम बात करें रूफिलो के तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इस एप्लीकेशन के अंदर में भी आप यहाँ पर लोन्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था लाइव विथ प्रूफ पेमेंट के साथ लेकर भी दिखाया था अपने खाते में लोन रिपेमेंट करने का तरीका भी बताया था। फिलहाल यहाँ पर देख पाएंगे कोई भी ऑफर यहाँ पर फिलहाल नहीं है। दोस्तों आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन द्वारा लोन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, फाइनली ये भी एप्लीकेशन हो सकता है इन फ्यूचर बैन हो जाए। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर एप्लीकेशन लोन देना ये बंद कर दी है प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं दूसरे लोन एप्लीकेशन के बारे में कि कौन से एप्लीकेशन ऐसे हैं जो फिलहाल अभी भी लोन प्रोवाइड करा रही है। वीडियो में हमारे साथ दोस्तों बने रहें। तो दोस्तों ये है ताला लोन एप्लीकेशन और इस एप्लीकेशन के अंदर में भी आप पूरे 1 मंथ का समय ले सकते हैं। फिलहाल ये एप्लीकेशन लोन्स प्रोवाइड करा रही है और मैंने आपको पिछले ही 2 दिन पहले आपको लोन लेकर भी बताया था लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ। यहाँ पर देख पाएंगे 1030 रुपये लोन को रिपेमेंट करना है, ये भी आधार पैन के ऊपर ही लोन्स प्रोवाइड कराती है, बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। अगर आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इमरजेंसी पड़ी है तो आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको मिनिमम 1 मंथ का समय आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे लोन एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों ये है फ्लैश कैश और इस एप्लीकेशन के जरिए से भी आप यहाँ पर इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं, ये भी फिलहाल लोन प्रोवाइड करा रही है। अगर आपकी इमरजेंसी पड़ी है तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, हालांकि आपको यहाँ पर 15 दिनों का ही समय आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे रिपेमेंट करने का ऑप्शन भी फिलहाल आ रहा है और मैंने पिछले वीडियो में भी आपको लाइव विथ प्रूफ पेमेंट के साथ ही बताया था कि एप्लीकेशन के ऊपर कैसे आप लोन्स के अप्लाई करके इंस्टेंट लोन अमाउंट ले सकते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे मेरे ही नाम से ये अकाउंट है।
अगर इमरजेंसी है तो आप यहाँ पर लोन्स के अप्लाई करें, नहीं तो बिल्कुल भी लोन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे लोन अप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बनाई है जिसमें कि टॉप 5 EMI लोन अप्लीकेशन के बारे में बताया है, उसी अप्लीकेशन से आप लोन लेने की ट्राई करिए। दोस्तों ये है लोन क्लाउड और यहाँ पर देख पाएंगे 1800 रुपये की अप्रूवल मिली है जिसमें कि आपको लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ ही पिछले वीडियो में बताया था। ये भी अप्लीकेशन 15 दिनों के लिए लोन्स प्रोवाइड कराती है, लेकिन यहाँ पर देख पाएंगे लोन अब ये भी नहीं देने वाली है। जैसा कि स्क्रीन के सामने देख पाएंगे कुछ इस तरह से आपको सामने पॉपअप देखने के लिए मिलेंगे। फिलहाल इस बात से ये साबित हो जाती है कि हर एक एप्लीकेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ गई है। RBI ने फाइनली नोटिस जारी किया है, उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं इन फ्यूचर की प्ले स्टोर के ऊपर से हटा दिया जाएगा। तो लोन क्लाउड भी फाइनली यहाँ पर लोन्स प्रोवाइड नहीं करा रही है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं लोन फ्रंट के बारे में, ये भी बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। आप यहाँ पर पूरे 30,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे 5,120 रुपये का लोन चल रहा है जो कि लोन का रिपेमेंट करना है। आपको यहाँ पर पूरे एक मंथ का समय यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो है ना बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन। अगर आपको इमरजेंसी पड़ी है तो ही आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करें, नहीं तो बिल्कुल भी लोन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ऐसे लोन एप्लीकेशन होंगे जिनके ऊपर कंप्लेंट गई होगी यूजर के जरिए से, जो फिलहाल हरासमेंट कर रही थी, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज किया गया है और ऐसे में बहुत सारे एप्लीकेशन के ऊपर छापा भी पड़ा है। तो दोस्तों ऐसे में आपको सोच समझ के कहीं भी आप लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये है, आप देख पाएंगे रसरूस प्रो, जो कि आपको यहाँ पर पहले 14 दिनों का समय आपको मिलता था, अब यहाँ पर 8 दिनों का समय यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ये भी लोन एप्लीकेशन फिलहाल लोन तो प्रोवाइड करा रही है और आपकी सिविल भी फायर ये करती है। तो आप कहीं से भी आप लोन्स के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो सोच समझ कर लोन के लिए अप्लाई किया करिए, नहीं तो बिल्कुल भी लोन अप्लाई ना करें। दोस्तों ये है लोन फ्लिक्स और यहाँ पर देख पाएंगे मैंने फाइनली यहाँ पर 17,000 रुपये का लिमिट्स लिया था और यहाँ पर राइट साइड में देख पाएंगे 8,000 रुपये की लिमिट्स यहाँ पर फिलहाल दिखाई जा रही है, जबकि मैंने इस एप्लीकेशन से लोन लिया ही नहीं है। और आप यहाँ पर देख पाएंगे अभी यहाँ पर 8,000 रुपये दिखाए जा रही है, यानी क्रेडिट लिमिट अभी यहाँ पर बचे हुए हैं, जैसा कि स्क्रीन के सामने देख पाएंगे। ये भी आपको लोन्स प्रोवाइड नहीं करा रही है, इसका भी प्रूफ आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ स्क्रीन के सामने देख पाएंगे यहाँ भी आप लोन्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ ही बताया था और मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर 17,000 रुपये हो गए थे, 14 दिनों का आपको यहाँ पर समय देखने के लिए मिलता है। आधार पैन के साथ ही एप्लीकेशन ये वर्क करती है, इनके ऊपर भी बहुत सारे कंप्लेंट किए होंगे यूज़र के थ्रू और ऐसे में ये भी एप्लीकेशन हो सकता है इन फ्यूचर ये बैन हो जाए। 14 दिन 7 दिन वाले एप्लीकेशन तो डेफिनेटली एक प्ले स्टोर के ऊपर से हटा दिया जाएगा, क्योंकि RBI के गाइडलाइंस के मुताबिक 7 दिन या फिर 14 दिन का फंडिंग नहीं होता है। ऐसे में आप यहां पर किसी भी लोन एप्लीकेशन के ऊपर लोन के लिए अप्लाई ना करें, अपने डेटा का मिसयूज ना करवाएं, क्योंकि अपने डेटा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने से पहले उसके सारे डिटेल्स चेक करें, प्राइवेसी पॉलिसी टर्म कंडीशन अच्छे से रीड करने के बाद ही किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोन के लिए अप्लाई करें। ऐसे बिल्कुल भी लोन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोन एप्लीकेशन बैन भी हो चुके हैं और अभी भी हटने वाले हैं। दोस्तों ये है स्मार्ट क्वाइन और इस एप्लीकेशन के जरिए से भी आप यहाँ पर मैक्सिमम लोन 50,000 रुपये ले सकते हैं। आपको यहाँ पर मैक्सिमम लोन टर्म 6 मंथ आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में देख पाएंगे 6,000 रुपये की लोन्स है और यहाँ पर देख पाएंगे 3 मंथ का यहाँ पर समय मिला है। 2,121 रुपये यहाँ पर देख पाएंगे EMI पेमेंट्स करती है। फिलहाल कोई भी पेमेंट्स मैंने यहाँ पर पैड नहीं किया है, जैसा कि स्क्रीन के सामने देख पाएंगे ये सब जेन्युइन फंड है और आप यहाँ पर इस तरह का एप्लीकेशन के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन 7 दिन 14 दिन वाले एप्लीकेशन के ऊपर बिल्कुल भी लोन अप्लाई ना करें, क्योंकि वहाँ पर हरासमेंट के अलावा आपका डेटा का मिसयूज भी किया जाता है। तो ऐसे लोन एप्लीकेशन के ऊपर बिल्कुल भी लोन अप्लाई ना करें। और यहाँ पर देख पाएंगे ये है स्मार्ट क्वाइन, 6,000 रुपये का लोन चल रहा है, 3 मंथ का यहाँ पर समय मिला है और 3 EMI में यहाँ पर लोन्स क्लियर होने वाले हैं। ये एप्लीकेशन इन फ्यूचर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर इमरजेंसी पड़ी है तो ऐसे में आप यहाँ पर लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ, कैसे एप्लीकेशन के ऊपर लोन के लिए अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना होता है। अगर आप वो सब वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगी, एक बार जरूर चेकआउट कर लें। यह है स्मार्ट क्वाइन EMI लोन एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये है क्रेडिट बी, जो कि इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के जरिए से मैक्सिमम लोन 1 से 2 लाख रुपए तक का आप यहां पर ले पाएंगे। दोस्तों एक बार फिर से आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये है क्रेडिट बी जो कि इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के जरिए से यहां पर इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। दोस्तों फिलहाल यहां पर हमें 9,000 रुपये की लिमिट्स मिली थी और यहां पर देख पाएंगे 1 अप्रैल 2021 में यहां पर लोन अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है। ऐसे में यहां पर हमें वेट करना होगा। इस एप्लीकेशन के अंदर में हर एक लोगों को लोन्स प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिलहाल लोन्स के लेकर अप्लाई करते हैं तो उन्हें हो सकता है लोन्स मिल भी जाए,
बहुत से ऐसे लोग हैं जो ओल्ड कस्टमर हैं और उन्हें भी लोन फंडिंग हो रही है, किसी को हो रही है, किसी को लोन प्रोवाइड नहीं करा रही है। तो इस तरह से एप्लीकेशन ये फिलहाल वर्क कर रही है, मिनिमम फंड होने की वजह से इस तरह से एप्लीकेशन ये वर्क करती है। और मुझे यहाँ पर टाइम दिया गया है 1 अप्रैल 2021 में यहाँ पर हम लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन जेन्युइन एप्लीकेशन है। आप इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, इमरजेंसी पड़ी है तो आप यहाँ पर डेफिनेटली आप लोन्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। क्रेडिट भी एप्लीकेशन कभी बैन नहीं हो सकती है, मेरे अनुमान है। दोस्तों ये है एम पॉकेट, जैसा कि स्क्रीन के सामने देख पाएंगे। इस एप्लीकेशन के बारे में भी बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि क्या ये एप्लीकेशन बैन होने वाली है या फिर नहीं। तो दोस्तों इसके बारे में अभी तक कोई भी सबूत नहीं है और ना ही इसके बारे में कोई जानकारी है। हो सकता है ये इन फ्यूचर एप्लीकेशन ये लोन्स प्रोवाइड कराते रहेगी, प्ले स्टोर के ऊपर भी कंटिन्यू बना रहेगा। दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम लोन 10,000 रुपये आप ले सकते हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं अभी भी ये लोन एप्लीकेशन ये लोन्स प्रोवाइड करा रही है। अगर इमरजेंसी है तो लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन के जरिए से यहाँ पर देख पाएंगे 10,000 रुपये मैंने ऑलरेडी ले रखा है, बिल भी फाइनली जनरेट हो चुका है। इमरजेंसी पड़ी है दोस्तों तभी आप यहाँ पर लोन्स के लिए अप्लाई करें। मैक्सिमम यहाँ पर 90 दिनों का समय देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों ये है नवी लोन्स जो कि बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। ये है एक EMI लोन एप्लीकेशन। ये भी लोन एप्लीकेशन के जरिए से आप इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। 1842 रुपये की हमारी EMI चलती है, जैसा कि स्क्रीन के सामने डैशबोर्ड में देख पाएंगे। मेरे नाम से ये अकाउंट है, ये भी आधार पैन के बेस पे ही आपको लोन्स प्रोवाइड कराती है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी लेकर भी बताया था, यहाँ पर हमें 2 साल का लोन टर्म फिलहाल मिला है। मैक्सिमम आपको यहाँ पर 36 महीनों का समय मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर लोन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, इमरजेंसी पड़ी है तो ऐसे में आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन द्वारा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे EMI कैलकुलेटर के अंदर में यहाँ पर मैंने कितने EMI पेमेंट्स कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है इमरजेंसी है तो आप यहाँ पर लोन्स के लिए अप्लाई करें, नहीं तो बिल्कुल भी लोन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये है फेयर मनी जो कि इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के जरिए से मैक्सिमम लोन 50,000 रुपये ले सकते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे 1540 रुपये का लोन चल रहा है जो कि हमें यहाँ पर पेमेंट्स करना है। ये भी आपको यहाँ पर 1 मंथ का समय आपको मिनिमम यहाँ पर देखने के लिए मिलता है और मैक्सिमम आपको 6 मंथ का समय यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये भी एप्लीकेशन ही फ्यूचर हो सकता है, एप्लीकेशन ये रहेगा और ये भी एप्लीकेशन फिलहाल अभी वर्क कर रही है। दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन द्वारा लोन अप्लाई करना चाहते हैं, लाइव स्टेप प्रोसेस देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप ऐसे में पॉकेटली लोन एप्लीकेशन के जरिए से लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कॉलेज ID प्रूफ और आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर ये लोन्स प्रोवाइड कराती है। एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में देख पाएंगे एक लोन चल रही है 1900 रुपये का और एक चल रही है 3220 रुपये का, जैसा कि स्क्रीन के सामने देख पाएंगे। आपको मिनिमम 1 मंथ का यहाँ पर समय मिलता है और मैक्सिमम यहाँ पर 2 मंथ का समय यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इस एप्लीकेशन द्वारा लोन अप्लाई करना चाहते हैं, लाइव स्टेप प्रोसेस देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, एक बार जरूर चेकआउट कर लें। तो दोस्तों मैंने बहुत सारे लोन एप्लीकेशन का ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ और इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन से एप्लीकेशन फिलहाल लोन अप्लाई करने पे लोन्स आपको दे रही है, कौन से एप्लीकेशन ऐसे हैं जो फिलहाल लोन अप्लाई करने पे लोन आपको नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों इस तरह से एप्लीकेशन ये वर्क कर रही है और आने वाले दिन में बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जो फिलहाल प्ले स्टोर के ऊपर से हटा दिया जाएगा, यानी प्रॉपर तरीके से बैन कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको इमरजेंसी पड़ी है तो आप यहाँ पर लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितने सारे एप्लीकेशन का मैंने अभी आपको बताया, जो एप्लीकेशन वर्क कर रही है इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। सारे एप्लीकेशन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी। इमरजेंसी होगी तो आप उस वीडियो को देखकर लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ ही आप लोगों को बताया भी है अगर हमारे पहले से सब्सक्राइबर होंगे तो। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैक्सिमम वीडियो लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ हमेशा वीडियो मैं लाते रहता हूँ।